गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। होटल से मैं बाहर आ गया हूँ और सुबह का नज़ारा देख रहा हूँ। कुछ देर पहले फ्रेश होकर आया हूँ और अभी नाश्ता वगैरह करने लगे हैं। नाश्ता वगैरह करके फिर हम निकलेंगे कटोरा ले के लिए। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ पहले वाले एरिया में, जहाज़ बांडा के सामने, क्योंकि कल कुछ पिक्चर्स वगैरह बनानी थी लेकिन नहीं बना सके, तो इसलिए सुबह फिर हम इधर आ गए। तो जनाब निकल पा रहा हूँ मैं कटोरा लेक की तरफ। ट्रैक शुरू हो चुका है, ये पीछे ट्रैक आप देख रहे होंगे। इस पानी के साथ साथ हमने जाना है कटोरा लेक का ट्रैक, बेसिकली यहाँ से शुरू होता है। इस वक्त यहाँ जो टाइम हुआ है 9 बजे हैं और ट्रैक ये जा रहा है मेरे सामने से, लेकिन मैं थोड़ा सा नीचे चला गया। वो भी जगह मैं आपको दिखाता हूँ, फिर वहाँ से मुझे ऊपर आना पड़ा। वो सामने जगह ये वाली, यहाँ से होता हुआ मैं यानी कि ऊपर आया हूँ। हुआ ये कि मेरे जो 7 लोग हैं तो वो नीचे चले गए और मैंने भी समझा यही ट्रैक होगा, लेकिन ये कि ऊपर से कुछ लोग जा रहे थे उन्हें देख कर फिर ये वाला जो ट्रैक है ये और ये सीधा जा रहा है कटोरा लेक की तरफ। नॉर्मली लोगों को 3-3.25 घंटे लगते हैं, देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है। चलते चलते स्टेप बाय स्टेप आपने ऊपर जाते रहना, वो कुछ लोग देख रहे होंगे आप, हम इन्हें फॉलो करते हुए जा रहे हैं। ये ट्रैक ऊपर को जा रहा है। हाय, ये जो हाय का वर्ड है, जितना भी कोई प्रोफेशनल बंदा है जब ट्रैकिंग करता है ऊपर को जाता है तो उसके मुंह से ये अल्फाज निकलते हैं, तो ये कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, कॉमन सी चीज़ है। तो जनाब अब आ गए हैं पत्थर। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे पत्थरों का जंगल होता है। पत्थरों को देखकर मुझे आंसू लेक का ट्रैक याद आ गया जो मैंने 2017 में किया था। वहाँ भी एक जगह ऐसी आती है जहाँ आपको बेशुमार पत्थर नज़र आएंगे, उन पत्थरों को क्रॉस करके आपने आगे जाना होता है। ये पत्थर ज़रा क्रॉस हो जाएं फिर आपसे मुलाकात करते हैं, क्योंकि बार बार कैमरा निकालना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है।
ये ट्रैक जा रहा सामने, ये आपने जाना है ऐसे यहाँ से होते हुए, ये फिर पत्थर आएंगे सामने, ये क्रॉस करके दूसरी तरफ चले जाएंगे। ये 1 2 3 पसंद आपकी है कौन सा ट्रैक आपने चूज़ करना और आगे जाना। डकी टॉप से जब आप ऊपर जहाज़ बंडा की तरफ आ रहे होते हैं तो आपको पानी सिर्फ दो जगह पर मिलता है, एक तो स्टार्टिंग पॉइंट में और एक दूसरा जब आप आधा रास्ता मुकम्मल कर लेते हैं। लेकिन कटोरा लेक के ट्रैक की ये खासियत है कि पानी आपको इस ट्रैक के साथ किसी भी जगह पर बआसानी मिल जाएगा। एक से 1.5 घंटा की हाइकिंग करके ये आ जाती है मिनी कटोरा लेक। लोकल्स ने इसका नाम रखा हुआ है मिनी कटोरा लेक, और जैसे ही आप यहाँ पहुँच जाते हैं आप ये समझ जाएं कि तकरीबन आधा रास्ता आपका मुकम्मल हो गया है। की खूबसूरती ये है कि जैसे जैसे आप इसे क्रॉस करते हैं ये अपने डिफरेंट कलर्स आपको दिखाती है। इस कश्ती के जरिए भी आप इसे क्रॉस कर सकते हैं, अगर आपने हाइकिंग ही करनी है तो ये आपकी चॉइस है। नाजरीन आ जाएं, लेट्स गो, चलते चलते करते हैं मिनी कटोरा को क्रॉस। ये मेरे दोस्त जा रहे हैं और इनको फॉलो करूंगा मैं, इसी रास्ते से मुझे जाना है। ये पत्थर बड़े ध्यान से आपने क्रॉस करने हैं, बहुत एहतियात से आपने जाना है। रास्ता ये है, 2-3 लोग आ रहे हैं नीचे को, ये यहाँ से शुरू होता है यहाँ से, लेकिन बैड सीन ये है कि मैं दूसरी तरफ आ गया हूँ। यहाँ से भी आप जा सकते हैं लेकिन ये काफ़ी टफ रास्ता है, बेहतर यही है कि आप सीधे रास्ते से जाएं। इन पत्थरों से होते हुए आपने इस तरफ आ जाना है नीचे, यहाँ से आपने ट्रैक जा रहा है तो सीधा ऊपर को ट्रैक करते जाना है, लेकिन वह ये है कि मैं गलत आ गया हूँ इधर को। अब समझ नहीं आ रही कि ये जो पानी जा रहा है कभी ऊपर को जा रहा हूँ कभी नीचे को, इसे क्रॉस कैसे करूँ, फिर भी देखता हूँ कोई मसला नहीं। कटोरा लेक का गेटवे नज़र आ गया, यहाँ से 30 मिनट का रास्ता है आगे जो मसलसल हाइकिंग है। क्रॉस हो जाए तो फिर देखने को मिलेगा ताज़ा तरीन कटोरा लेक का नज़ारा, तो चलते हैं आगे कटोरा लेक की तरफ। I never really know.
फाइनली मैं कटोरा लेक पहुंच गया हूं। वाओ माशाल्लाह, ये है कटोरा लेक। चपू है ही। अच्छा नाजरीन, सीन ये है कि जो कश्ती का इंजन है उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया है तो अभी थोड़ा सा रास्ता रहता है वापसी के लिए, तो कोई जुगाड़ लगा रहे हैं तो इंशाल्लाह वापस चले जाएंगे। नाज़रीन अभी हम वापस जा रहे हैं, गुड बाय कटोरा लेक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई लोकेशन के साथ। अभी यहाँ से नीचे जाना है दोबारा वापस जहाज बांडा की तरफ, तो इंशाल्लाह उम्मीद है एक से डेढ़ घंटे में ये मैं मुकम्मल कर लूँगा। जी नाज़रीन, वापसी के लिए ये मिनी कटोरा लेक से कश्ती में बैठ गए क्योंकि थकावट भी हो चुकी है, टाइम भी शाम होने वाली इधर, तो इसलिए ज़रा टाइम सेव हो जाएगा, जल्दी आगे पहुंच जाएंगे वापस जहाज बांडा। भजा के जान दे, भजा के व्हील मारदा जा। ये पत्थर आने की वजह से मैंने स्टीयरिंग जो है वो कश्ती के ओनर को पकड़ा दिया है, क्योंकि इनके साथ भी लग सकती थी। जाते हुए इन पत्थरों से होते हुए क्योंकि रास्ता इधर आता है, इधर से फिर हाइकिंग शुरू होती है, लेकिन मैं इधर वाली साइड पे चला गया। ये पहुंच गए हम अपनी मंजिल पर, यहाँ से थोड़ा सा रास्ता आगे जाएगा जहाज बांडा की तरफ, चलते हैं फिर। ये कराची से फैमिली आई हुई है,
तीन से चार बच्चे हैं इनके साथ, मियाँ बीवी है, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये कटोरा ले करके वापस जा रहे हैं। वो सामने जहाज बन रहा है।